शाम के टाइम इसका वाकिया जो है काफी मजाकिया है। क्या बात है, बताएंगे कुछ? हाँ, वाइफ हमारी जब क्या कहते हैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हैं, वो मैक्सी पहनती हैं, हाँ। तो उनको निकलने नहीं देता दूसरे दरवाजे से, अंदर में ही कैद क्या करके बात रखता है। है कि जैसे आप साड़ी के बाद मैक्सी पहनती हैं तो वो भड़क जाता है, ऐसा है क्या? हाँ, पहनने पे दौड़ता है, क्यों काटने पता नहीं, लगता है? काटने लगता है क्या? नहीं काटता नहीं, दौड़ता है, मैक्सी पहनने के उसको क्या एलर्जी है कुछ पता नहीं, निकलने नहीं देता। निकलने, अच्छा मैक्सी पहन लिया तो निकलने नहीं देता है, काटने दौड़ता है। साथियों नमस्कार, आज फिर हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले में और आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले अभी आरिफ और सारस की प्रेम कहानी पूरी तरह प्रचलित रही, पूरी दुनिया में माहौल बना और खूब लोगों ने आरिफ ने खूब सुर्खियां बटोरी, लोगों ने खूब सराहा। उसी तरह एक आपको पिछली वीडियो में हमने दिखाया कि सुल्तानपुर जिले में एक सारस फिर एक दूसरे आरिफ के साथ में है, ये कह सकते हैं आरिफ तो नहीं है लेकिन अनूप के साथ में है। आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने इस सारस को घर ले आए और किस तरीके से उसका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि अभी उसकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे रह रहा है इस समय कैसे, क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़े दिन अभी 4 दिन पहले ही आप ले आए हैं, तो अब में और कल में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भैया, घुल मिल गया है लोगों में और आपके सामने ही खड़ा है। नहीं, खाने पीने में? नहीं, खा भी रहा है साथ में। खा रहा? क्या जैसे खाने पीने में क्या क्या खिला रहे हैं अभी हाल में? दाल चावल रोटी सब्जी, कच्चा चावल, कच्चा चावल, पक्का चावल दोनों खाता, साथ खा लेता है। हाँ, बच्चों के भी नहीं खाता, खाता हमारे ही साथ में, आपके साथ में खाता। जैसे कहीं पत्नी जी के साथ में या घर में और जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार इसका कैसा है, क्योंकि आपके साथ तो चलता फिरता ही है, 2 कदम चल लेता है, वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, घर के अंदर है, तो आप बाहर से ले आए हैं, रहने का जो कहीं ना कहीं तरीका होगा, ये बाहर रह के आया और घर में फ्रेंड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कुछ इसके बारे में? सबके साथ इसका व्यवहार ठीक है, शाम के टाइम इसका वाकिया जो है काफी मजाकिया है। क्या बात, बताएंगे कुछ? हाँ, वाइफ हमारी जब क्या कहते हैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हैं, वो मैक्सी पहनती हैं, हाँ। तो उनको निकलने नहीं देता दूसरे दरवाजे से, अंदर में ही कैद करके रखता है। मतलब ये है कि हाँ, मैक्सी इसके लिए खतरनाक है, बिल्कुल निकलने नहीं देता। अगर उनको हमारे पास आना भी है या कहीं जाना है कुछ काम के लिए, तो कहती है कि दरवाजे पर आप खड़े हो जाओ तभी निकलने देगा। मैक्सी से क्या दुश्मनी है इसकी? अब पता नहीं, हो सकता है पुराने, तो आप लोग जानते हैं अपने बूढ़े बुजुर्ग थे तो उनके पहनावे भारतीय संस्कृति वाले थे। अच्छा, ये भारतीय संस्कृति के हाँ, परिधान, मतलब भारतीय परिधान को समझता है कि साड़ी पहने हाँ, तभी घर से निकले। आप सोच सकते हैं कि मैक्सी से इसको एलर्जी है, मैक्सी आप बता रहे हैं कि अनूप जी की पत्नी है, वो जैसे मैक्सी पहनती है उनके साथ कहीं ना कहीं एक घटना बड़ी चौंकाने वाली है कि मतलब ये क्या सोचता होगा कि घर के या सदस्य है भी कि नहीं है, क्योंकि दिन भर साड़ी और शाम को मैक्सी, तो ये समझता होगा कोई बाहरी आ गया। हाँ, वो यही लगता है इसको। उन्होंने कभी कुछ खिलाए पिलाए नहीं इसको? नहीं, खिलाने दिन भर उनके साथ नेचुरल व्यवहार करेगा। अच्छा। लेकिन शाम को जैसे उनका कपड़ा बदला तैसे इसका व्यवहार बदल जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे शाम को किसी दिन या दिन में कभी मैक्सी पहने हो और उस दौरान वो उसको कुछ भोजन पानी करा दे? अब भोजन पानी से नहीं, हमें तो लगता है कि भाई ये उनको रोकता है कि ना पहनो। अच्छा, हाँ और क्या, भारतीय संस्कृति के हिसाब हाँ, से कपड़े पहने जाए हाँ, परिधान जो है वो भारतीय संस्कृति के हो हाँ। भाई आप सोचिए कि हमारी दुनिया मॉडर्न हो रही, हर लोग जींस पैंट पहन रहे, लड़की आप अमूमन हो गया है कि वो जींस पैंट पहन के ही चल रही है, और घर में लोग देहातों में भी कहीं ना कहीं अब साड़ी के बजाय लोग सूट पहनना शुरू कर दिए हैं, मॉडर्नता आ रही है उसमें, लोग साड़ी शाम को तो ना कंफर्टेबल होने के लिए लोग कहीं ना कहीं मैक्सी पहन लेते हैं, तो ऐसे में इसको इतनी बड़ी एलर्जी उस मैक्सी से है, तो जैसे कभी ऐसा ना हो कि हमला कर दे? नहीं, हमला नहीं करेगा, हम रहते हैं इसके साथ में, अब दोनों लोगों के बीच में हम सामंजस्य बनाने काम करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं गाइड कर रहे हैं। कभी आप कुर्ता पैजामा पहन के निकल पड़े और सोचे कि अनूप तिवारी है ही नहीं, कोई दूसरा है? नहीं, ये तो हमारी आवाज पहचान लेता, आवाज उनकी भी तो आवाज पहचानना चाहिए इसको। अब उनकी तो नहीं पहचान पाता, लेकिन हमारी आवाज हमारे जानवर भी पहचान। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि गांव में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आपने एक नया किया है और ग्राम इस जिले के बाहर बहुत सारे सारस पाले गए, लोगों को खूब सुर्खियां मिली, लोग खूब वायरल हुए, आपको क्या लगता है कि आप भी वायरल हो जाएंगे इससे? अब वायरल होने का उद्देश्य तो हमारा नहीं है भैया,
ये है कि हमने इसकी रक्षा की, ये सही सलामत बचा रहे तो इसकी खुशी के साथ हमारी भी खुशी है। नहीं, जैसे लोग रील बना लेते हैं, वीडियो बना रहे, कमाई का जरिया बना लेते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम तो जैसे सोशल मीडिया 2012 चला रहे हैं, जब ये फेसबुक हमने मतलब मोबाइल लिया था 2012 में, तब से हमने अपनी आईडी बना रखी है और उस पर चला रहे थे। पहले अपने गांव की समस्याएं उस पर डालते थे, तो उससे आप लोगों जैसे पत्रकार भाई हैं तो उनका सहयोग मिलता था, तो गांव की हमारी काफ़ी समस्याएं निदान हो जाती थी। जी जी, जैसे कोई किसी सुन नहीं रहा है, तो आईडी हमारी पहले से है। अब ये आ गए हैं साथ में, इनकी फोटो डाल देते हैं, गाय लाए थे उसकी फोटो डाल देते, फोटो तो हम लगातार डालते रहते हैं, इससे हमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको लोग कहते हैं कि इधर जियो के मसीहा हैं। मैंने सुना कहीं बाहर में आपके बारे में कहा कि जो जिसे कोई नहीं पूछता उसे अनूप तिवारी पूछ लेते हैं, क्या माजरा है इसका? अब भैया, हम कहते हैं कि जो जो मत राजा का है वही हमारे गांव निरहू झुरहू सदलू का है, तो हमें कोई आदमी से नहीं है, राजा हो या रंक अगर हमारे पास आया है तो हम उसकी मदद करते हैं। मदद करते हैं जी। अच्छा, इसको खिलाने पिलाने की प्रक्रिया जो है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आरिफ साथ खाना खा लेता था, मैंने देखा था थाली में बैठ के भोजन कर रहा, उसी के साथ में वो चावल खा रहा था। कभी आपके साथ ऐसा करने का इसने सोचा या आपने कुछ किया इस पर? नहीं नहीं, इसको हम खिलाते हैं साथ में। खिलाते हैं? हाँ। साथ खा लेता है? हाँ। जैसे खाने की वजह से आप खा रहे हो और आप मुँह में ले जा रहे हो, पता लगे आप हाथ झपट्टा मार दे? नहीं, इसको हम पहले खिला देते हैं तब खाते हैं। अच्छा, जो पहले आप खा लें तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अपने यहाँ तो पहले ये परंपरा है कि पहले आप। अच्छा, मेहमान जी फर्स्ट जी। तो साथियों, आपने देखा कि इसके पहले तमाम वीडियो में आपने देख रखा होगा कि लोग कैसे खिलाते हैं, कैसे पिलाते हैं, रखते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे इस क्षेत्र में तमाम अधिकारी भी हैं, लोग कहते हैं कि इसको पालना कहीं ना कहीं सही नहीं है, लोग कहते हैं कि ये राजकीय पक्षी है और राजकीय पक्षी है भी, तो इसे पालने के लिए जैसे कभी लोग तमाम समस्याएं आ जाती हैं विभाग की तरफ से कि इसे प्रदर्शन की चीज ना बनाया जाए, तो क्या किसी अधिकारी को आपने सूचित किया कि हमारे पास सारस है, मैं इसको पाल रहा हूँ? नहीं, कल हमारे यहाँ उस सारस की गणना हो रही थी, अधिकारी गणाए थे, तो उसमें जो यहाँ के थे प्रभारी है उनको साहब को हमने बताया है, साहब ऐसा है कि हमने गलती कर दी है। अच्छा, गलती कर दी? हाँ, हमने गलती नहीं, कर दी। आपने तो गलती कहाँ की है, आपने मरते हुए को बचाया है तो इसमें गलती तो नहीं है, लेकिन आपने कहा गलती कर दी है। नहीं, हमने अपनी बात रखने के लिए उनसे कहा कि साहब गलती कर दी है, सारस के बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे, हमने उसका जो है इलाज कर दिया है, ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप रखे रहिए, जब यहाँ बढ़िया व्यवस्था होने जा रही है, जानकारी में है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे एक डर है कि कोई अधिकारी कभी कोई पुलिस पूछे कि आपने राजकीय पक्षी को पाल लिया, इस पर कुछ आपने सोच रखा है? आप तो जानते ही हैं पांडे जी कि मोहब्बत करने वालों का अंजाम बुरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। कितनी मोहब्बत है इससे? अब तो वही मोहब्बत है जैसे लैला मजनू। लैला मजनू ना समझिए तो हम अपनी बीबी का नाम ले लेंगे, ज्यादा ठीक है, अगर भी लैला मजनू बीच में आ जाएगा फिर कौन आपके जाने के बाद हमें मतलब घर भी जाना है। हाँ। इसलिए लैला का नाम नहीं लेना है। हाँ, लैला का नाम नहीं लेना है, बस समझ लो जितना अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, जानवरों को प्रेम करते हैं, हमारे लिए तो उतने प्रेमी भी हैं। नहीं, लैला अलग थी, मजनू अलग था जी, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं इस तरीके से इसको पाल रहे हैं जी। कभी ऐसा हुआ कि दोनों में कुछ अंतर दिखा हो? किसमें? बच्चों में, उसमें? नहीं, कोई अंतर नहीं है। नहीं, बच्चे तो पुराने हैं, आपको 8 दिन पहले मिला है। भैया देखो, ऐसा है चाहे 1 मिनट में कोई मिल जाए, अपना अपना हो जाता है। प्यार मतलब दूरी नहीं देखता जी, दिन नहीं देखता जी, हो गया तो हो गया। अरे कहते हैं गांव में कहावत है, क्या कहते हैं, भूख न देखे रूखा सूखा, रूखा सूखा, नींद न देखे टूटी खाट, और क्या कहते हैं, प्यार न देखे, प्यार न देखे जात को जात। क्या बात है, मतलब ये आने वाली पीढ़ी को नसीहत दे रहे हैं क्या? नहीं, नसीहत हम नहीं देंगे, अगर किसी की भाई मोहब्बत है तो उसके लिए हमारा संदेश है कि मोहब्बत करें। अच्छा। हाँ, मोहब्बत। तमाम देख रहे हैं लाठी लेके लोग खड़े हो जाते हैं, तलवारें खींच जाती हैं मोहब्बत में, और आप कह रहे हैं मोहब्बत करें, आप सारस से प्रेम कर रहे हैं तो सारस से करिए, दुनिया को प्रेम क्यों सिखा रहे हैं आप? नहीं तो दुनिया को हम नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की बात आई तो मोहब्बत में गाना भी है कि जब जब प्यार पे पहरा लगा है तब तब प्यार और गहरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो साथियों, ये
भाई साहब है अनूप जी और प्यार इनका बहुत गहरा हुआ है, आप इनकी बातों से आप जान सकते हैं कि कितना प्रेम इनका सारस से है, बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। लेकिन सारस का जो मैक्सी से दुश्मनी है, इस पर आपके कमेंट चाहिए कि क्या कभी आपने देखा है कि कोई महिला कोई महिला मैक्सी पहन के निकली हो, सारस उस पर अटैक किया हो। यहाँ घर में दिन भर पाल तो लेती है लेकिन शाम को जब मैक्सी पहनती है तो या तो पहचानना भूल जाता है या इसे भारतीय परिधान से लगाव है, मैक्सी से दुश्मनी है, क्यों भाई साहब? अब यही बात है ही। आप कैसी लगी ये वीडियो, इस पर आप कमेंट देना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं फिर उसी सारस का है जिस तरह अमेठी में आरिफ के साथ सारस और आरिफ का प्यार था। द राष्ट्र न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों हमारे साथ ये भाभी जी खड़ी सुर्खियां साथियों हमारे साथ भाभी जी खड़ी है। एक सवाल था भाई साहब से कि कहीं ना कहीं सारस मैक्सी पहनने पर भड़क जाता है, क्यों भड़क जाता है? ऊपर उठा रहे, जैसे आप बताए भाई साहब बता रहे थे कि जैसे आप साड़ी के बाद मैक्सी पहनती हैं तो वो भड़क जाता है, ऐसा है क्या? पहनने पे दौड़ता है। क्यों? काटने लगता है क्या? नहीं काटता नहीं, दौड़ता है। दौड़ लेता है क्या? कभी ऐसा भी हुआ कि आपके साथ खा रहा हो और आपके साथ नहीं खाता, भाई साहब के ही साथ खाता है? साड़ी पहनने के उसे क्या एलर्जी है? मैक्सी पहनने के उसे क्या एलर्जी है? कुछ पता नहीं, निकलने अच्छा मैक्सी पहन लिया तो निकलने नहीं देता, काटने दौड़ता है बस।